दोबारा शुरुआत करने में कुछ गलत नहीं, क्योंकि इस बार शुरुआत जीरो से नहीं एक अनुभव के साथ होगी। नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके बाय प्रदीप सर। एज यू ऑल नो टुडे संडे, एंड संडे को क्या रहता है, आपका वीकली करंट अफेयर रहती है, और वीकली करंट अफेयर हम इसमें देखेंगे क्या कुछ कैसे, जो हमने वीक में पूरा डिस्कस किया सब कुछ देखेंगे। जो आपका आज की जो क्लास रहेगी, सारी एमसीक्यू जो बेस क्वेश्चन रहेंगे उस पर रहेंगी। आज आपको खुद को देखना है कि आपने वीकली जितने क्वेश्चंस हमने करवाए, जितनी करंट अफेयर हमने पढ़ी, उसमें आपने क्या किया, कितने अच्छे से चीजें देखी हैं, कितनी चीजें आपको याद हैं, और अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर मान लो ऊपर नीचे हो रहा है, ज्यादा का नहीं, अगर ज्यादा गैप आ रहा है कि लाइक इसमें 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 में से आप 5-7 ठीक कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात है। लेकिन ये हाँ हो सकता है कि 30 क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं ठीक हो रहे हैं, 32-30, तो इसके लिए एक अच्छे जा रहे हो आप, एक अच्छी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो ठीक है शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आपकी क्या रहेगी, ये वीकली करंट अफेयर रहेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़े से मैथ पढ़ लेते हैं पहले, मैथ मैथ आज मैम को कैसे याद आया, तो देखिएगा 35 इसमें क्वेश्चन होंगे, हर एक 35 पर क्या होगा बच्चों, 5 के आपके ऑप्शन होते हैं, तो मल्टीप्लाई करो आपके कितने बन गए, ये बन गए 175, मतलब 175 करंट अफेयर आपकी हो गई यहां से, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक्स इसमें डिटेल में दिए गए हैं, फॉर एन एग्जाम्पल बुक का अगर हम बात करते हैं, बुक्स की, तो क्या होगा कि 30 बुक्स हैं वो आपको डिटेल में मिलने वाली है। 30 इसमें प्लस करो कितनी हो गई, 205। उसके बाद रिटायरमेंट्स और विचरी से रिलेटेड बात करते हैं, तो 30 प्लस मिलने वाली है वो इसमें प्लस करो, तो ऑलमोस्ट बात करें तो 300 प्लस वीकली, 7 दिनों की आपको ऑलमोस्ट, तो 6 दिनों की, मंडे टू सैटरडे जो रही आपकी, 6 दिनों की क्या है आपको 300 प्लस करंट अफेयर आज इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। सो अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आपका आंसर क्या रहता है इसमें। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या रहा, AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मुख्य 5वीं वार्षिक बैठक वस्तुत आयोजित की गई है, इस बैठक का विषय क्या था। तो सिंपल क्या बताना है आपको, AIIB, ठीक है, यहां से एक तो क्लियर हो गई होगी, उसकी बैठक रही वो कौन सी रही है, इस बार 5वीं रही है। अब आपको बताना है उस बैठक का क्या था, शीर्षक क्या था, विषय क्या था, आपको बताना है। तो ऑलमोस्ट बच्चे यहां से जिन्होंने पहले क्लास देखी है लगा देंगे ऑप्शन बी क्या रहा आपका आंसर रहा, विषय क्या रहा आपका, AIIB 2030 सपोर्टिंग एशिया डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ये क्या थी आपकी AIIB की इस बार की जो बैठक रही थी 5वीं, उसका क्या रहा था बच्चों, विषय रहा था, ठीक है। अब यहां से क्या है बच्चों, जो आपके जून मंथ से लेकर जुलाई और अगस्त, अब जैसे मंथ चल रहा है 7 अगस्त तक, जितने भी विषय डेज इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम बनती है, हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, कब रहता है आपका, 11 जुलाई को रहता है। पुटिंग द ब्रेक्स ऑन COVID-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, ये क्या रहा आपका थीम, विषय रहा किसका बच्चों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को जो रहता है। दूसरा, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स जो आपका कब रहता है, 4 जुलाई को, कब, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स आपका जो 4 जुलाई को रहता है, उसकी थीम रही कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ओके। उसके बाद आपका रहता है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को आपका कौन सा डे रहता है, नेशनल डॉक्टर डे। 1 जुलाई को 3 दिन मनाए जाते हैं, पीछे हमने 30 दिन डिस्कस किए थे, तो आंसर करना है आपको अदर 2 डेज कौन से रहे जो डॉक्टर डे के साथ मनाए जाते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। यहां से देखिएगा 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे रहता है, और उसकी इस बार की थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ COVID-19, ओके। उसके बाद 26 जून पर आ जाइए, 26 जून को आपका रहता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2020, और इसकी थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ओके। इतनी चीजें समझ में आई। उसके बाद 25 जून को क्या रहता है आपका, डे ऑफ द सेफरर, और इसकी थीम थी सेफरर की वर्कर्स, ओके। थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी, जैसे जो ज्यादा चीजें डिफरेंट रहती है ना, डेट से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, क्वेश्चंस ज्यादा आने के वो चांसेस रहते हैं, ओके। उसके बाद आता है 21 जून, 21 जून को क्या रहता है बच्चों आपका, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इंटरनेशनल योगा डे, और दूसरा क्या था आपका, एक म्यूजिक डे रहता है, ठीक है। क्या रहा, 3 दिन रहते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी डे और योगा डे, 3 दिन रहते हैं। 2 दिन की थीम थी 21 जून को जो आपका वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे था, उसकी थीम थी हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, और 21 जून को जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा रहता है, उसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ओके। उसके बाद 20 जून को रहता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स, ओके।
उसके बाद 17 जून, 17 जून की अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जिसकी फुल फॉर्म अगर बात करते हैं विषय की, तो वो था फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। ओके, उसके बाद आपका देखिएगा 14 जून, 14 जून को बात करते हैं तो वो रहता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। कब रहता है बच्चों? वो 14th ऑफ जून को रहता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जिसकी थीम थी सेफ ब्लड सेव लाइव्स। और दूसरा क्या था? स्लोगन था, याद रखना है बच्चों। क्या इसकी थीम अलग से थी, स्लोगन अलग से था? थीम थी सेफ ब्लड सेव लाइव्स, स्लोगन था गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आंसर देखिएगा पहले वाले क्वेश्चन का आपका सही हुआ या नहीं, काउंट करके लास्ट में आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से बच्चे के कितने ठीक हुए। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी रहेगी एक। तो देखिए बच्चों, मैथ में गड़बड़ नहीं करनी है। हाँ, हमारे 25 ठीक हो रहे हैं मैम, 27 हो गए थे, 30 तो हो ही गए थे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन धनराशि में क्या रहा आपका, जो अभी अमाउंट दिया गया है, अप्रूव किया गया है दक्षिण अफ्रीका को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने इस बार का सबसे बड़ा लोन दिया है अब तक का, अगर हम बात करते हैं इस ईयर सबसे बड़ा लोन ग्रांट किया है, अप्रूव किया है, किसे किया है? दक्षिण अफ्रीका को। कितना किया है, क्वेश्चन यही है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन से आंसर की बच्चों, तो आपका जो आंसर रहता है वो रहता है 4.3 बिलियन। ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चों? दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे रहा है आपातकालीन ऋण के रूप में। अब हम देख लेते हैं कुछ अदर के अमाउंट्स जो इंपॉर्टेंट बनेंगे अब तक के, अगर बात करते हैं ये बनते हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट 6 महीने के इसमें है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखिएगा एडीबी। एडीबी से आपको 4 अमाउंट याद रखने हैं। ठीक है, ये यहां तक 4 अमाउंट याद रखने हैं। $2.2 बिलियन जिसकी रहती है एडीबी एश्योर सपोर्ट पैकेज टू इंडिया टू फाइट COVID-19। ठीक है, ये क्या है? एडीबी ने इंडिया को दिया है कितना? 2.2 बिलियन। 100 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो एडीबी ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बात की है। $4 बिलियन की बात करते हैं तो इंडिया ने क्या है, अगर बात करें खुद की मेंबर्स जो कंट्रीज रही एडीबी की मेंबर्स रही, कंट्री मेंबर्स रही, उनके लिए उन्हें अलोकेट किया है COVID-19 से लड़ने के लिए कितना? 4 मिलियन। उसके बाद $2 मिलियन एडीबी ने अप्रूव किया है कि जो नोवल क्या आपका कोरोना वायरस रहा उसको फंड, जो उसमें फंडिंग होगी नोवल कोरोना वायरस के लिए एक फंड बनाया गया था तो उसी के लिए कॉम्बैट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए फंड दिया है एडीबी ने कितना? $2 मिलियन। ठीक है, इतनी चीजें याद है। अब हम मूव करते हैं एडीबी से वर्ल्ड बैंक की तरफ। वर्ल्ड बैंक से आपको 3 अमाउंट याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? 12 बिलियन एडीबी ने क्या किया है, अनाउंस किया है इतने की एड, मतलब क्या है, चिकित्सा प्रोवाइड करने के लिए कोरोना वायरस से अगेंस्ट फाइट करने के लिए कितना? 12 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने। उसके बाद 1 बिलियन, 1 बिलियन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने ऑफर किया है इंडिया को। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इंडिया को कितना दे रहा है? 1 बिलियन। एडीबी इंडिया को दे रहा है 2.2 बिलियन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1.05 बिलियन की। तो 1.05 बिलियन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक किसको दे रहा है? बांग्लादेश को। आई होप ये अमाउंट तो दो याद होंगे। वर्ल्ड बैंक ने पहले इंडिया को दिया 1 बिलियन, उसके बाद बांग्लादेश आ गया है। अभी हमें भी चाहिए क्योंकि COVID-19 तो सिर्फ इंडिया पर तो अकेले पर है नहीं, तो फिर क्या किया वर्ल्ड बैंक ने? इंडिया को दे दिया। ऐसी बात नहीं है, हालांकि ये सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं। ओके, तो वो कितना दिया उसे? 1.05 बिलियन दिया। ठीक है, अब यहां से हम बात कर लेते हैं AIIB की। AIIB की बात करें तो $750 मिलियन क्या है AIIB ने इंडिया को दिया है। तो इंडिया को 3 अमाउंट मिल गए हैं, एडीबी से 2.2 बिलियन, वर्ल्ड बैंक से 1 बिलियन और AIIB से $750 मिलियन। उसके बाद देखिएगा $100 बिलियन जो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में क्या है एक पैकेज को साइन किया था, रिलीफ पैकेज, जो कितने का रहेगा? $100 बिलियन का रहेगा। उसके बाद $100 मिलियन की बात करें तो नेटफ्लिक्स ने अपने जो फिल्म और टीवी वर्कर्स हैं उनमें उनके लिए उनके हित में काम करने के लिए साइन किया है। देन आफ्टर आप बात करते हैं बच्चों USC $2 बिलियन की, तो वो क्या कर रहा है बच्चों? चाइना ने अनाउंस की है WHO असेंबली, जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन असेंबली हुई थी उसमें चाइना ने क्या किया था, अनाउंसमेंट की थी कि कितना? 2 बिलियन का वो क्या करेगी, हेल्प प्रोवाइड करेगी। उसके बाद $20 बिलियन, अगर $20 बिलियन की बात करते हैं तो आपका जो ग्रुप 20 क्या है, 19 जिसमें कंट्रीज और एक यूनियन अगर बात करते हैं अलग से यूरोपियन EU आपकी रहती है, तो उसमें 20 ग्रुप 20 ने क्या किया है, अपने लिए खुद के लिए प्लस किया है कि वो डॉलर 20
बिलियन का क्या करेगी, इसमें इन्वेस्ट करने वाली है टू कॉम्बैट कोरोना वायरस। ओके, इतनी अमाउंट्स आपको यहां से याद रखनी है। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या रहा, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। आपको बताना है अभी क्या है, प्रीमियर लीग में अगर बात करते हैं फुटबॉल बूट, ये प्राइस किसे दिया जाता है जो सबसे बच्चों ज्यादा गोल करता है, और जिसे ये मिला है उसने अब तक 2019-20 में टोटल 26 गोल किए हैं। सबसे ज्यादा गोल करने वाले पर्सन रहे हैं ये। कितने गोल किए इन्होंने, 26 गोल किए थे। तो अब यहां से आपको यही बताना है गोल्डन बूट प्रीमियर लीग का अवार्ड किसे मिला है। तो बच्चों वो मिला है जेमी वार्डी को। ठीक है, किसे मिला है, जेमी वार्डी को। इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम कुछ एक अवार्ड देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं 2019 के, जो अगर हम बात करते हैं, हाफ ईयर स्पेंड हो गया, 6 महीने निकल गए हैं, तो इन्हीं 6 महीनों में जो इंपॉर्टेंट रहे हैं वो देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट याद है आपको, कितने याद है, कला नारायण स्वामी। कला नारायण स्वामी की बात करते हैं तो सिंगापुर का प्रेजिडेंट अवार्ड दिया गया है। कला नारायण स्वामी कौन है, पेशे से एक नर्स है। ठीक है, याद रखना है, कला नारायण स्वामी पेशे से एक नर्स है, उन्हें सिंगापुर का प्रेजिडेंट अवार्ड दिया गया है। ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग को तो भैया कौन ही जानते हो, जो डब्ल्यू अगर बात करते हैं असेंबली में जो डोनाल्ड ट्रंप को ललकार सकती है कि माइंड योर बिजनेस ऐसे जो बात कह सकती है, तो ग्रेटा थनबर्ग एक 17 साल की जो लड़की है। और बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो उन्होंने क्या किया है, अवार्ड दिया गया है गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, उसके बाद अर्णव चौधरी, टुंज मीडिया अवार्ड दिया गया है। उसके बाद दो पर्सन याद रखने हैं, मॉरिसेना मेरियाना, जो किन्हें क्या मिला है बच्चों, 2020 का नेल्सन मंडेला प्राइज मिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, नेल्सन मंडेला डे आपका कब रहता है, आपका रहता है 18 जुलाई को, और 18 जुलाई को ही नेशनल मंडेला डे पर नेशनल मंडेला डे प्राइज दिया गया, और वो किनको मिला है, मोरियाना और मेरिसेना को नाम मिला है। नाम क्या रहा, मॉरिसेना क्वाते मेरियाना वर्दियोनोसिस। ओके, उसके बाद एन चंद्रशेखर और जिम टैकलेट, जिन्हें क्या है इस बार का ग्लोबल लीडरशिप 2020 अवार्ड मिला है, किसे, एन चंद्रशेखरन और जिम टैकलेट। उसके बाद वेद प्रकाश दुडेजा, इन्हें इस बार का इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर मिल रहा है। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, वेद प्रकाश दुडेजा को दिया गया है। ओके, उसके बाद सचिन अवस्थी, सचिन अवस्थी की बात करते हैं बच्चों, तो उन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 दिया गया है। सचिन अवस्थी जिन्होंने क्या है गंगा के कार्यक्रम के लिए एक रैली निकाली थी, उसी के दौरान क्या आए थे, ये हाइलाइटिंग पॉइंट्स में रहे थे, तो क्या नेम रहा, सचिन अवस्थी, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। उसके बाद गुरबख्श सिंह प्लाश नंदी, इन्हें मोहन बागन रत्न से सम्मानित किया गया है। इसरो के जो चीफ रहे कौन है, के सिवन, उन्हें वॉन कर्मन अवार्ड 2020 दिया गया है। सी में जो सीएम रहे के पालन स्वामी, उन्हें क्या है, पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन से सम्मानित किया गया है। उसके बाद केजांग डी थोंगडॉक, उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है, याद रखना है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसे मिला है, तो वो मिला है केजांग डी थोंगडॉक को। ओके, उसके बाद इंडिया की जो फ्रेया ठकराल रही, एक 13 साल की लड़की रही है, उन्हें द डायना अवार्ड 2020 दिया गया है। द डायना प्रिंस, जो डायना प्रिंस रही उन्हीं की याद में ये अवार्ड दिया जाता है। द डायना अवार्ड 2020 वो किसे मिला है, इंडिया की है फ्रेया ठकराल उन्हें। ओके, सिद्धार्थ मुखर्जी राज चेट्टी, उनको क्या मिला है, ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 अवार्ड मिला है। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट की, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो बनेगा। पहले, इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पर्सन्स को जो जो अवार्ड मिले हमने वो डिस्कस किए पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अब हम ऑर्गेनाइजेशन जो रही है, एसोसिएशन जो रही है, जिन्हें अवार्ड मिला है, बॉडीज जो रही है वो देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, उस पुरस्कार का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारत के पहले सौर नौका, तो इंपॉर्टेंट बन गया, क्या बना आपका, पहले सौर नौका, जो पहला सौर नौका कौन सा है आपका, आदित्य है। तो आदित्य ने क्या है अभी एक अवार्ड जीता है, और वो भारत का पहला सौर नौका है, तो वो अवार्ड कौन सा रहा, तो वो आपका रहा है गुस्तेवा ट्रॉव अवार्ड। ठीक है, क्या रहा, गुस्तेवा ट्रॉव अवार्ड, हमारा भारत का जो पहला सौर नौका है आदित्य, उसे दिया है। अब अदर कुछ इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं हम, बॉडीज को जो इंपॉर्टेंट मिले हैं क्या अवार्ड्स, वो डिस्कस करते हैं। देखिएगा एनटीपीसी, मैम एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, क्या रहा आपका, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उन्हीं उसी को क्या मिला है, यूनिफिल एनवायरनमेंट अवार्ड मिला है। ये किस लिए मिलता है बच्चों, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अच्छे वर्क करते हैं उनके लिए होता है। तो यूनिफिल एनवायरनमेंट अवार्ड इंडियन जो आपकी अगर बात करते हैं बटालियन को मिला है, और एनटीपीसी को सीआईआईटीसी
सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 दिया गया है, तभी मैं सोच रही ये थोड़ा उल्टा कैसे हो गया। यूनिफिल एनवायरमेंट अवार्ड तो मतलब जो क्या कहते हैं कि जैसे अभी अगर बात करते हैं, जैसे ये बटालियन को दिया गया है, जैसे फौजी हमारे भाई होते हैं वो किसी अगर बात करते हैं कोर्स को या फिर किसी अपने काम को अंजाम देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो उनका काम भी पूरा हो जाए और उस पर जो टारगेट रखा जाता है वो टारगेट भी पूरा हो जाए, और दूसरा एनवायरमेंट नेचर को भी ज्यादा क्या ना हो, नुकसान ना हो, उसके लिए ये दिया जाता है। तो वो ध्यान में रखना है, यूनिफिल एनवायरमेंट अवार्ड इंडियन बटालियन को दिया गया है, एनटीपीसी को CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 मिला है। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो रही IOC, उसे क्या है, यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या रहा, इसमें जितनी भी चीजें हैं बच्चों, सारी जो रिन्यूएबल एनर्जी जो आपकी क्या है दोबारा से बन सकती है, वो चीजें यूज की जाती है। लाइक एन एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो क्या है बच्चों, आपकी सौर ऊर्जा इसमें से यूज की जाती है, डिस्पोजल्स वगैरह हैं वो जो डिस्पोज हो सकते हैं, चीजें दोबारा बन सकती हैं, वो चीजें यूज होती हैं। तो वो किसे मिला है, IOC को मिला है। उसके बाद डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनेको फाउंडेशन अवार्ड दिया गया है। उसके बाद बेंगलोर एयरपोर्ट, क्वेश्चन बन सकता है भारत का सबसे अगर बात करते हैं बढ़िया एयरपोर्ट, अगर टॉप एयरपोर्ट रहा है तो वो कौन सा रहा है 2019 में, वो आपका रहा है बेंगलोर एयरपोर्ट। और उसी के लिए क्या है बच्चों, बेंगलोर एयरपोर्ट को क्या दिया गया है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड फॉर बेस्ट रीजनल अवार्ड दिया गया है। उसके बाद टाटा पावर, टाटा पावर की बात करते हैं तो एडिसन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन दिया गया है। छत्तीसगढ़ को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। मध्य प्रदेश को बच्चों अवार्ड दिला है, क्यों, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में इसने टॉप किया था। PMAVY क्या रहा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसी के लिए क्या है, इसमें इंप्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा था और इसी के लिए अवार्ड मिला है। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या रहा, डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 को वस्तुत शुरू किया गया है, इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन रहा, इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 अभी क्या है वर्चुअली लॉन्च की गई है, आपको बताना है इसे लॉन्च किसने किया है, मतलब इनमें से किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका रहा मिनिस्ट्री ऑफ HRD, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेना, तब आंसर मिनिस्ट्री ऑफ HRD रहा था, अब ये क्या हो गया है बच्चों, आपका एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गया है। ठीक है, तब ये HRD था जब इसने वॉर्न किया था। तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट सबसे पहले कौन से मिनिस्टर के अंडर आता है, आपका रमेश पोखरियाल निशंक सर के अंडर आता है। ठीक है, अब हम कुछ एक बच्चों देख लेते हैं जिनको क्या है, जो हमने ऑप्शंस में देखे, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया का जो फर्स्ट एवर नेशनल रिपोर्ट है असेसमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, ये किसकी रही, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की। ये कुछ एक रिपोर्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो अभी 2020 में हाल ही में रिपोर्ट्स दी गई थी, तो किसने दी थी, लॉन्च की थी। ठीक है, तो इंडिया की जो पहली नेशनल रिपोर्ट रही क्या, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बात करें, MoSPI ने, उसने लॉन्च की। दूसरी नीति आयोग ने की है वॉलंटियर नेशनल रिव्यू 2020 रिपोर्ट। उसके बाद इंदौर की बात करें तो इसने टॉप किया है नेशनल क्लीनिंग लेंस रैंकिंग फॉर फर्स्ट 2 क्वार्टर। तो सिंपल सा आपको यहां से याद रखना है, इंडिया ने अभी क्या है एनवायरमेंट से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें 2 स्थान इंपॉर्टेंट बनते हैं, सबसे ऊपर सबसे पहला की टॉप किसने किया है, देन आफ्टर की लास्ट पोजीशन पर कौन रहा है। तो इंदौर क्या है, इंदौर सिटी ने टॉप किया था जिसमें, और जो झरिया सिटी रही थी वो सबसे पॉल्यूटेड रही थी, सबसे लास्ट में रही थी। दोनों नाम याद रखने हैं, इंदौर और झरिया। उसके बाद गुजरात की बात करते हैं तो इसने फर्स्ट डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, रूफटॉप जो इंस्टॉलेशन होते हैं ना बच्चों, उसमें टॉप किया था। और क्वेश्चन अब यहां से एक मैं खुद पूछ लेती हूँ, सरल इंडेक्स में टॉप किसने किया था। ठीक है, इसमें बच्चों को स्टार्टिंग में तो बहुत कंफ्यूजन था, बहुत मेहनत लगी थी समझाने में, हर नया बच्चा जुड़ता था तो मैम कंफ्यूजन ऐसे, तो आपको आई होप जो बच्चा रेगुलर जुड़ रहा है उसे पता होगा सरल इंडेक्स में टॉप किसने किया था, आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, हरियाणा कर्नाटक और केरला, तीनों नाम एक साथ याद रखने हैं, इसने टॉप किया इन तीनों ने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 में। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लेखक का क्या नाम है जिसने भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए क्वेस्ट लिखा है, क्या नेम रहा बच्चों, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, बुक का नेम रहा क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। सिंपल सा रहा, इसके लेखक कौन है, आपको बताना है बच्चों लेखक कौन है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, दिख रहा होगा सम अदर बुक्स जनवरी टू जुलाई, जनवरी से जुलाई तक की ये बुक और ये बुक।
बस इतनी है, काम खत्म, पढ़ो और काम खत्म करो, इतनी सी बुक है। अब थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ बच्चों, क्या है कि ये बुक्स आपको खुद को पढ़नी है, क्योंकि मैं इन्हें रिवाइज करवा चुकी हूँ। अब दूसरा क्या रहता है बच्चों, रिवाइज करवाना, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि ऐसे ये बुक इसने लिखी, उसके बाद आपको बार बार रिवाइज करवा दिया कि याद करवाना। अब तीसरा काम रह जाता है एक बार खुद से पढ़ना, क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं पढ़ते ना बच्चों, वो चीजें कहीं ना कहीं माइंड में हमारे हिट तो होती हैं पर बैठ नहीं पाती। उन्हें अच्छे से स्टोर करने के लिए खुद से पढ़ना भी जरूरी होता है चीजें, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मिलने वाली है टेलीग्राम ग्रुप पे जीके बाय प्रदीप सर, वहां से क्या कीजिएगा, आप इसे पढ़िएगा। सबसे पहले तो विरल वीरचारियन जो क्विस्ट फॉर रिस्टोरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बुक लिखी है, किसने लिखी है, विरल वी आचार्य ने। ये बुक्स आपको क्या करनी है, देखनी है। यहां तक ये दो पेजेस में टोटल बुक्स रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निधन हो चुके राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता का नाम क्या है। पांचों के जो पांचों नाम है आपके ओबिचरी से रिलेटेड हैं, तो लेकिन यहाँ इनमें से एक पर्सन वो है जो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हैं, आपको बताना है उनका नाम क्या है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, उनका नेम रहा अमर सिंह, उनका नेम क्या रहा, अमर सिंह। अब यहाँ से बच्चों हम अदर के चार नेम देख लेते हैं। प्रवास खान, वो क्या थे, बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर थे, आपने देखा होगा काफी एक्शन डायरेक्टर मूवीज होती थी ना, ऑलमोस्ट यही क्या करते थे, डायरेक्ट करते थे एक्शन से रिलेटेड। तो परवेज खान कौन थे, बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर थे। कुमकुम क्या थी बच्चों, ये वेटरन बॉलीवुड एक्टर थी। उसके बाद सोनम थैशरी लेपाचा, मोस्ट इंपोर्टेंट मान सकती हैं, ये फोक म्यूजिशियन और पद्मश्री अवार्डी रहे हैं, सोनम थैशरी लेपाचा। सबसे पहले तो बच्चों ये मेल है, फीमेल नहीं है, ध्यान में रखिएगा। सोनम थैशरी लेपाचा फोक म्यूजिशियन और पद्मश्री अवार्डी थे ये। अनिल मुरली की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या थे बच्चों, मलयालम एक्टर थे, ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है। सारा कुछ भूल जाओ, सिंपल सा इतना याद रखना है, क्वेश्चन सिंपल सा एक लाइन में पूछ लेती हूँ, पांच अक्षरों में स्कॉच अवार्ड किसे मिला है, पांच अक्षर है ना, स्कॉच अवार्ड किसे मिला है, सिंपल सा। और दूसरा फिर उसके बाद देखता है, सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए स्कॉच अवार्ड किसे मिला है, दूसरा फिर आप डिटेल में देखिए कि ये क्यों दिया गया है। तो दिया क्यों गया है, क्वेश्चन में दिख रहा होगा जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं वहां के आदिवासियों को सशक्तिकरण करने के लिए एक योजना निकाली गई थी, जिसमें क्या है उन्हें एज एन मतलब स्टूडेंट्स को क्या दिया जाएगा, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी, उसी स्कीम के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है। अब आपको बताना है बच्चों, स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी रही है, तो वो रही आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कौन सी रही है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, आदिवासियों से रिलेटेड ऑलमोस्ट याद हो जाएगा। मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी खुंटी झारखंड है, ठीक है। अब हम अदर देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये आपकी हर्षवर्धन सर के अंडर आती है, चांदनी चौक न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की बात करें तो मिनिस्टर थावरचंद गहलोत सर है, कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा एमपी है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो रविशंकर प्रसाद सर के अंदर आती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी पटना साहिब बिहार है। पंचायती राज आपका नरेंद्र सिंह तोमर के अंदर आती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी मुरैना मध्य प्रदेश है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी बैंक से रिलेटेड रहा, सिडबी बैंक ने क्या किया है बच्चों, अभी एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। तो एक क्वेश्चन कवर हो गया, एमएसएमई पोर्टल लॉन्च किसने किया है, एमएसएमई पोर्टल लॉन्च किसने किया है, तो वो आपका किया है सिडबी बैंक ने। अब क्वेश्चन आपका रहा, सिडबी बैंक ने इस पोर्टल को किसके साथ लॉन्च किया है। तो यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गई बच्चों, क्या कंफर्म हुई मैम, जो आपका बच्चों सिडबी रहा है ना, वो उस अकेले ने नहीं किया है, उसने क्या किया है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी रही जिसके साथ समझौता किया, देन आफ्टर उसने क्या किया बच्चों, एमएसएमई पोर्टल को लॉन्च किया। अब आपको बताना है वो किसके साथ किया है। तो सबसे पहले यहां से सिडबी का देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफा हैं, ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब हम देख लेते हैं बच्चों उसने किसके साथ किया है, ट्रांस यूनियन सिविल के साथ। किसके साथ, ट्रांस यूनियन सिविल के साथ सिडबी ने समझौता किया है और उसी के तहत उसने एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है, हो गया। अब हम कुछ एक क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट्स देख लेते हैं। आईआईटी कानपुर काफी न्यूज में रह रहा है, आईआईटी कानपुर ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, क्यों, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए।
LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो UBI क्या रहा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके साथ किया है, क्यों किया है, लेटर पॉलिसीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो NSC क्या है बच्चों, ये है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्या रहा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसी के साथ क्या है एयरटेल पेमेंट बैंक ने समझौता किया, क्यों किया है, यूथ जो रूरल यूथ आपके ग्रामीण यूथ रहे उनको ट्रेन करने के लिए। उसके बाद अमेज़न पे की बात करें उसने टाई अप किया है एक्को के साथ, सिंपल याद रखना है ऑटो इंश्योरेंस सेल करने के लिए। अमेज़न पे क्या लेके आया है बच्चों, जितने भी आपके गाड़ियों पर इंश्योरेंस रहते हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आया है, उसे बेचने के लिए उसने किसके साथ किया है एक्को के साथ टाई अप किया है। ठीक है, इतनी चीजें क्या है आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट, छठवें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की, सिंपल सा रहा ब्रिक्स एनवायरमेंट की इस बार मीटिंग कौन सी हुई, सिक्स नंबर की हुई, याद रखना है कौन सी, सिक्स हुई, जिसमें ऑफ कोर्स हमारे पर्यावरण मंत्री क्या लेंगे हिस्सा लिया था। अब आपको सिंपल सा यहां से इतनी चीज बतानी है, सिक्स जो ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रही वो किसने क्या की है मेजबानी, उसे किसने होस्ट किया है, कौन से देश ने उसे होस्ट किया है। तो देखिए बच्चों उसे होस्ट करने वाला देश रहा आपका रशिया, मॉस्को, रूबल, व्लादिमीर पुतिन, चार नाम तो याद रखने हैं, कैसे मैम, रशिया, मॉस्को, रूबल, व्लादिमीर पुतिन। ओ मैम ये क्या बोल रही हो, ये क्या है, रशिया, रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी क्या है बच्चों रूबल है, यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है जो थर्ड टाइम इस बार रीइलेक्ट किए गए हैं, हो गया याद। अब हम देख लेते हैं अदर के, देखिएगा ब्रिक्स समिट की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों आपकी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बात में इस बार कहां रही, रशिया में, इससे पहले कहां हुई थी, अफ्रीका में, क्वेश्चन यही बनेगा। अब एग्जामिनर थोड़ा बहुत, मतलब जो बच्चे शाने हो रहे हैं ना, तो एग्जामिनर डेढ़ शाना हो रहा है, वो क्या कर रहा है अब यहाँ अब के नहीं पूछ रहा, वो प्रीवियस के पूछ लेता है या फिर आगे आने वाली पूछ लेता है, तो आगे वाली शेड्यूल्ड नहीं है, तो आपको पीछे वाली याद रखनी है जो 2019 में आपकी पांचवीं बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, अफ्रीका में हुई थी, ठीक है, और इस बार रशिया में। ब्रिक्स समिट देखिएगा 20th तो रशिया में रही आपकी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसकी फुल फॉर्म रहती है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ओके। तो 12th तो आपकी रशिया में रही, इससे पहले आपकी ब्राजील में हुई थी, उससे पहले साउथ अफ्रीका में हुई थी, और ये इंडिया में। एक चीज अगर आपको याद है आगे पीछे की आप सारी बता सकते हो, अरे वाह मैम ऐसे कैसे, देखिएगा याद रखना है 2020 रशिया, 2019 अगर बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, 2018 और इससे यहां से आगे मूव कर लेना 2021-2022, मतलब ये ऐसे ही चलता है, यही प्रोसेस चलता है इसका, ठीक है, दो तीन चीजें ही पूछेगा तो आगे पीछे यही प्रोसेस चलेगी, ठीक है, इतनी चीजें आपको क्या है याद रखनी है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे हाल ही में देश के प्रधानमंत्री के रूप में आइवरी द कोस्ट नियुक्त किया गया है, एक राज्य देश है आइवरी द कोस्ट, इसमें आपको स्पेलिंग कुछ और दिख रही होगी, आइवरी कोस्ट, वैसे इसको क्या प्रोनंसिएट किया जाता है बच्चों, आइवरी द कोस्ट, ओके। तो आइवरी द कोस्ट जो देश रहा, कंट्री रही, आपको बताना है उसके हाल ही में प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले तो आइवरी द कोस्ट की अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट वो कौन है, अलासने क्वाटेरा रहे, अलासने क्वाटेरा कौन है, आइवरी द कोस्ट कंट्री के प्रेसिडेंट है। यहां की कैपिटल है यमुनस्कारो, यमुनस्कारो यहां की क्या है कैपिटल है, और यहां पर फ्रैंक क्या चलती है बच्चों, करेंसी चलती है, ओके। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि आइवरी द कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है हामेद बकायोको को, क्या रहा आपका हामेद बकायोको क्या रहे बच्चों आपके आइवरी द कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर रहे, ओके। अब हम कुछ एक अदर देख लेते हैं जो हाल ही में अपॉइंटेड हैं, देखिएगा फ्रांस, फ्रांस की बात करें तो जीन कास्टेक्स प्राइम मिनिस्टर रहे वहां के, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हैसियन लूंग रहे हैं, गैबन के बात करें प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर याद रखना है, गैबन कंट्री रही जिसकी अब इस बार पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही हैं, वो कौन है, ओसुका रपोंडा, क्या नेम रहा, ओसुका रिपोंडा। उसके बाद ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हिकेम मैचिची रहे, ठीक है, इतनी चीजें क्या है आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका क्या रहा, अभी सरकारी थिंक टैंक जो नीति आयोग है, अगर हम बात करते हैं बच्चों नीति आयोग की, तो उसने क्या है हाल ही में बीजापुर जिला जो आपका रहा, क्या रहा बीजापुर जिला, इसके समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकाशात्मक जिलों की सूची में सबसे ऊपर स्थान रहा है। तो सिंपल सा बच्चों ध्यान में रखता है, जो नीति आयोग की एक थिंक टैंक रही, रिपोर्ट रही, जिसमें क्या है बीजापुर जिले ने टॉप किया है। अब आपका यहां से बनता है स्टैटिक क्वेश्चन, अब मैम स्टैटिक कैसे, आपको बच्चों बताना है जो बीजापुर जिला है वो कौन से राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है,
तो बीजापुर जिला रहा आपका छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर रहे भूपेश बहगल, गवर्नर कौन है अनुसुईया उइके। ठीक है, अब हम अदर कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये काट लेना, ठीक है, यहाँ से अनुसुईया उइके नहीं, यहाँ पर आनंदीबेन पटेल आएंगे। ठीक है, आनंदीबेन पटेल कौन है, काफी न्यूज में रही है, ट्रेंडिंग पर्सन रही है, ये यूपी की भी गवर्नर है और अभी हाल ही में एमपी की गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके। महाराष्ट्र की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे सीएम रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर रहे हैं। सीएम अगर बात करते हैं यूपी की, तो सीएम रहे हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। तमिलनाडु सीएम एडेपड्डी के पालन स्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने के लिए यूएई पहला अरब राष्ट्र बन गया है, इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? सिंपल सा रहा, अगर बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसे बनाने वाला पहला अरब राज्य कौन सा रहा है? यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यहां पर करेंसी क्या चलती है बच्चों? आपको ये आंसर करना है। अब यहां पर देख लेते हैं बच्चों, तो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम रहा है ब्राक न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब पावर प्लांट, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात होती है ना, तो जो चीजें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है और क्या करना है आपको याद रखनी है, वो देखिएगा क्या बच्चों बनती है आपकी, वो आपकी बनती है ओबिसिंक न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर हम बात करते हैं ओबिसिंक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था बच्चों? ओबिसिंक न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद बात करते हैं इंडिया कि इंडिया का पहला पावर प्लांट कौन सा था, तो वो महाराष्ट्र में रहा था तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट स्टेशन। ओके, कहां पर? तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट स्टेशन। उसके बाद हरियाणा का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था? आपका हरियाणा का पहला था गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में रहा। क्या रहा? गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन हरियाणा। उसके बाद यूएस का, अमेरिका का पहला पावर प्लांट था शिपिंग गॉट एटॉमिक पावर स्टेशन। इतनी चीजें आपको यहां से न्यूक्लियर पावर प्लांट से, हिस्ट्री से अब तक की जो चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब देखिएगा, कोना कोना उम्मीद एक अभियान रहा, आपको यही बताना है ये एक बैंक का रहा है, नाम क्या रहा? कोना कोना उम्मीद। इस अभियान को लॉन्च किसने किया है, ये कौन से बैंक का रहा, आपको यही बताना है। तो बच्चों ये आपका रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का, कोटक कौन अगर बात करें कोटक कोना कोना उम्मीद, कोटक कोना कोना उम्मीद याद हो जाएगी। ठीक है, याद हो गई होगी अब तो, कोटक कोना कोना उम्मीद आपको याद रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र, इसका क्या रहता है हेडक्वार्टर, एमडीसीओ है उदय कोटक सर और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। इसकी टैगलाइन क्या रही है बच्चों कोटक महिंद्रा बैंक की? लेट्स मेक मनी सिंपल। ओके, और जो अगर बात करते हैं बच्चों कोटक महिंद्रा बैंक की, तो ये ऐसा पहला बैंक रहा है जिसने केवाईसी, केवाईसी क्या होता है बच्चों आपकी, नो योर कस्टमर, ये पहला बैंक रहा है जिसने क्या है केवाईसी को अलाउ वीडियो कॉलिंग लॉन्च किया है। उसके बाद अदर कुछ हम देख लेते हैं बैंक जो न्यूज में रहे। एचडीएफसी बैंक सबसे पहले ये न्यूज में अब रह रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ क्या है चेंज कर दिए गए हैं, आगे हम पढ़ेंगे ये भी। तो एचडीएफसी बैंक क्यों न्यूज में रहा? समर ट्रीट कैंप की वजह से, हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग की वजह से, एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड कैंप की वजह से, यस बैंक की इंपॉर्टेंट जो रहेगी युवा ऐप रहेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अकाउंट किया है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ओपन। उसके बाद क्रूर वसाय बैंक की बात करें, तो टाई अप विद बजाज अलायंस लाइफ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन, और दूसरा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, दो इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्रूर वसाय बैंक ने टाई अप किया है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा स्टार हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, मर्सिडीज चालक लुईस हैमिल्टन ने फॉर्मूला वन जीता है, तो सिल्वरस्टोन सर्किट जो कहां पर, सिल्वरस्टोन सर्किट यूके में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। हाल ही में लुईस हैमिल्टन ने क्या है तीन जीते हैं, अगर F1 फॉर्मूला वन रेसेस की बात करें आपको बताना है इनमें से वो कौन सा अभी हाल ही में जीता है जो यूके में आयोजित किया गया था, वो था ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो यूके में आयोजित था वो किसने जीता है? लुईस हैमिल्टन। तो F1 2020 F1 की अगर हम बात करते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो देखिएगा, वोल्टेरी वोटर्स एक अदर रहे हैं जो कहां से हैं, फिनलैंड से हैं, मर्सिडीज ड्राइवर ये हैं, इन्होंने रिसेंटली वॉन किया है F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। ओके, उसके बाद लुईस हैमिल्टन की बात करें, ये ब्रिटिश से हैं, मर्सिडीज ड्राइवर हैं, इन्होंने हंगरियन स्टीरियन और ब्रिटिश, कौन कौन से, हंगरियन स्टीरियन ब्रिटिश जीता है और ऑस्ट्रियन आपका वोल्टेरी वोटर्स ने जीता है। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करते हैं CII ने अभी क्या किया है, ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत एक कॉन्फ्रेंस रखी है। अब आपको बताना है इसे इनोग्रेट किसने किया था,
तो क्या रहा ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर कॉन्फ्रेंस, इसे किसने इनोग्रेट किया है, क्वेश्चन ये रहेगा आपका। तो आपके क्वेश्चन का आंसर रहा बच्चों पीयूष गोयल सर ने किया है। पीयूष गोयल सर कौन है बच्चों, आपके रेलवे मिनिस्टर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, और ये कहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, महाराष्ट्र से राज्यसभा है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। अदर के कुछ आप देख लेते हैं बच्चों की इनके अंडर कौन सी मिनिस्ट्री आती है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति जोधपुर राजस्थान से, अरविंद गणपत सावंत हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज मुंबई साउथ महाराष्ट्र से, मुख्तियार अब्बास नकवी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स राज्यसभा झारखंड से, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ऑफ स्टील कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा एमपी से। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस राज्य से हैं। सिंपल सा रहा, रजत भाटिया जो क्रिकेटर ऑलराउंडर रहे आईपीएल मैचेस में सबसे ज्यादा ये खेलते थे, आपको बताना है वो कौन से राज्य से, वो हैं न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली अनिल बेजल गवर्नर रहे, सीएम अरविंद केजरीवाल रहे। अदर देख लेते हैं, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ओडिशा की बात करते हैं तो सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ओके, तमिलनाडु की बात करते हैं तो सीएम है एडेपड्डी के पालन स्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ओके, तेलंगाना की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिल सई सौंदराजन। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या है कि अभी जैसे अगस्त मंथ है, हर अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, 1 से 7 तारीख तक एक वीक रहता है, एक सप्ताह रहता है, वो सप्ताह कौन सा है, उसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है बच्चों वर्ल्ड, अगर बात करते हैं ब्रीस्ट फीडिंग वीक, वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक जो 1 से 7 अगस्त रहता है, आपको बताना है इस बार उसकी थीम क्या थी, मतलब उसकी थीम क्या रखी गई थी। सबसे पहले तो ये कौन सेलिब्रेट करता है, बाबा एक रही ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग डे स्टार्ट किया था जिसने और मनाती है, उसका हेडक्वार्टर पेनांग मलेशिया में है, फाउंडर अनवर फैजल है, 14 फरवरी 1991 में क्या है इसे फाउंड किया गया था। अब आपको बताना है वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक की क्या है, किसकी थीम क्या रही, ये थीम हमने पहले डिस्कस कर ली है, तो अब इस बार आप पढ़िएगा। सबसे पहले मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग की थीम क्या थी, तो थी स्पोर्ट है ब्रीस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट, ये क्या थी इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज वॉन लॉन्च एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंप। सिंपल सा रहा, एक मास्क अनेक जिंदगी, ये कैंप कौन से राज्य का रहा है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, एक मास्क अनेक जिंदगी, तो बच्चों ये आपका रहा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर चेंज हुए हैं, लालजी टंडन सर की डेथ हो गई है, आनंदीबेन पटेल क्या है वहां गवर्नर नियुक्त की गई है, और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। अब देखिएगा ओडिशा, ओडिशा अब यहां से हम हाई कोर्ट देख लेते हैं, जो हमने न्यू एक लिया था इनिशिएटिव की हाई कोर्ट डिस्कस करेंगे। ओडिशा का हाई कोर्ट है ओडिशा हाई कोर्ट कटक में, चीफ जस्टिस है मिनिस्टर मोहम्मद राफिक। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह चौहान। महाराष्ट्र की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल। तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है अमरेश्वर प्रताप सही। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री को राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है। सिंपल सा रहा, नेशनल प्रोग्राम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 ये किसने लॉन्च किया है, क्या विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 ये किसने लॉन्च किया है, तो आपको बताना है बच्चों ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने। डॉक्टर हर्षवर्धन सर कौन है, सबसे पहले तो यही, ये आपके क्या है अगर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसके अंडर आता है, डॉक्टर हर्षवर्धन सर के अंडर आता है। इन्होंने अगर बात करें जो आपका विज्ञान मंथन 2021 रहा उसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ अदर, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्स्टिट्यूएंसी चंदौली यूपी। अरविंद गणपत सावंत मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज कॉन्स्टिट्यूएंसी मुंबई साउथ महाराष्ट्र। गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज कॉन्स्टिट्यूएंसी बेगूसराय बिहार। गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर राजस्थान। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने डैश में आईपीएल 2020 की मंजूरी दी है। काफी चेंज हो रहे हैं, आईपीएल को एक पूरा टॉपिक बनेगा वैसे डिस्कस करने वाला, आफ्टर सारे कुछ इसमें डिसीजन होने के बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे आईपीएल मैच अब तक कौन होस्ट करता आया था बच्चों, इंडिया आपका होस्ट करता आया था। इस बार सबसे बड़ा जो बदलाव देखने को मिला है,
सबसे पहले तो आपको जो इसका क्या है, जैसे वीवो इसमें मेन रहता था, तो वीवो ने इससे क्या है नेम ले लिया है। इस बार वीवो आईपीएल में अपना क्या है नाम नहीं रखेगा। अब कौन सा ब्रांड आगे आता है वो बाद की बातें। और दूसरा, आईपीएल इस बार इंडिया होस्ट नहीं कर रहा है, तो इस बार आईपीएल को होस्ट करने की जो मेजबानी के जो राइट्स दिए गए हैं आपको बताना है वो कौन से देश को दिए गए हैं। तो वो आपके दिए गए हैं यूनाइटेड अरब एमिराइट्स, यूएई को। यूएई की बात करते हैं तो अबू धाबी क्या है यहाँ की कैपिटल है, दिरहम यहाँ पर करेंसी चलती है, खलीफा बिन जायद अल अलहम यहाँ के क्या है बच्चों प्रेसिडेंट है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर बात करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, दो चीजें जो जहां से इंपॉर्टेंट बन सकती हैं वो दूसरा रहता है वर्ल्ड कप और दूसरा रहता है एशिया कप। पहला वर्ल्ड कप, दूसरा एशिया कप। जो बच्चा क्रिकेट देखता है ऑलमोस्ट उन्हें पता होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर देख लेते हैं वर्ल्ड कप से होस्ट कंट्रीज की कौन सा कहां पर हुआ था। अगर बात करते हैं हर 4 साल बाद होता है, 2015 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, 2019 में हुआ था इंग्लैंड वेल्स में, 2019 में आई थिंक अगस्त मंथ के अराउंड ये रहा था, काफी इंटरेस्टिंग था मैच। 2023 में आपका प्यारा भारत इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप, ठीक है। एशिया कप की बात करें तो 2018 में आपका यूएई में हुआ था और 2021 में कौन होस्ट कर रहा है, श्रीलंका होस्ट कर रहा है। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनमें से एक पर्सन वो है जो क्या है आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं और जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नेम रहा पिड्डी कोंडाला मिनी याकाला राव। क्या रहा बच्चों, याद रखिएगा, नेम थोड़ा सा ट्रिकी है बट याद हो जाएगा, पीडी कोंडाला मैनी काला राव। ये क्या रहे बच्चों, आपके आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। अदर देखिएगा, अनिल मुरली मलयालम एक्टर होंगे याद, सोनम तैशिन लिपाचा फोक म्यूजिशियन और पद्मश्री अवार्डी, अमर सिंह राज्यसभा एमपी और फॉर्मर समाजवादी पार्टी लीडर, कमल रानी वरुण की बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, ये उत्तर प्रदेश की क्या है कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी है कमल रानी वर्मा, जिनका हाल ही में डेथ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सियासत में सदस्यता एक नोवल रहा, नोवल का नेम देखिएगा सियासत में सदस्यता, आपको बताना है ये बुक किसने लिखी है। तो बच्चों थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बिहार के जो क्या रहे हैं बच्चों, अगर बात करें स्पीकर रहे हैं, लोकसभा स्पीकर रहे हैं बिहार के, उन्होंने इस बुक को लिखा है, तो उनका नेम क्या रहा, विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी क्या है बच्चों, बिहार के लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने बुक लिखी है और इस बुक का नाम क्या रहा बच्चों, इस बुक का नाम रहा है सियासत में सदस्यता, ओके। अदर कुछ बुक देख लेते हैं हम, रस्किन बॉन्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, स्टीफन किंग इफ इट ब्लीड्स, हसन जैदी द एंड गेम, विरल वी आचार्य क्विस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, बुक इनकी रही। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व कप विजेता जर्मन फुटबॉलर का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्त घोषित कर दी है। सिंपल सा रहा, एक फुटबॉलर है विश्व कप विजेता है, जर्मन से बिलोंग करते हैं और उन्होंने क्या है हाल ही में रिटायरमेंट घोषित की है। तो यहां से बच्चों दो नाम बनते हैं जो जर्मन से हैं, फुटबॉलर भी से भी हैं, और तीसरी सेम चीज रहेगी, उन्होंने क्या है हाल ही में सेवानिवृत्त रिटायरमेंट भी ली है। तो देखिएगा, वेंडिकट होवेडिस उनका नेम रहा, ये जर्मन से हैं। दूसरे जो पर्सन जर्मन से हैं, फुटबॉलर से हैं, एंड्रे शुरले, दोनों एक साथ नाम याद रखिएगा, वेंडिकट होवेडिस और एंड्रे शुरले। उसके बाद रजत भाटिया, आईपीएल मैचेस में जो बच्चे आईपीएल मैच देखते हैं बहुत ज्यादा नाम चर्चित पर्सन रहते हैं, विकेट लेने की बात हो चाहे दूसरी बात हो रन लेने की, दोनों में आगे रहते थे रजत भाटिया सर। उन्होंने अभी हाल ही में क्या कर लिया है बच्चों, संन्यास ले लिया है और वो दिल्ली से थे, ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। सिरिपल्ली वेरकड्डी की बात करते हैं, श्रीलंका से थी और क्रिकेटर थी, हाल ही में संन्यास लिया है। रनीम एल वैली इजिप्ट से थे और स्क्वैश प्लेयर थे, ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड, क्या रहा बीएसएनएल, उसके साथ क्या है शुरुआत की है भारत एयर फाइबर सर्विसेज की। तो आपको बताना है अभी क्या है बीएसएनएल के साथ भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन करने वाला राज्य कौन सा रहा, तो वो आपका रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या रहा, उद्धव ठाकरे भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर रहे वहां के। यहाँ का हाईकोर्ट कौन सा है बच्चों, बॉम्बे हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता, ओके। अब अदर कुछ देख लेते हैं, मेघालय, मेघालय का हाईकोर्ट है मेघालय हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस हैं विश्वासनाथ सुमद्दर, ओके। मणिपुर के हैं मणिपुर हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस हैं रामलिंगम सुधाकर। उसके बाद पुडुचेरी की बात करते हैं, पुडुचेरी की तो मद्रास हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप सही। लक्षद्वीप की बात में तो केरला हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई से रिलेटेड रहा,
एमएसएमई नितिन गडकरी ने सिल्क मास्क का खाद्य उपहार बॉक्स लॉन्च किया है। इसमें केवीआईसी के तहत विकसित किया गया है। केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है? खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। केवीआईसी क्या रहा बच्चों आपका? खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। अब आपको बताना है उसके अध्यक्ष कौन है। सिंपल क्वेश्चन रहा तो बच्चों उसके अध्यक्ष है विनय सक्सेना। ठीक है, अगर कुछ देख लेते हैं जो हाल ही में अपॉइंटेड है एनक्लैट। एनक्लैट की बात करें तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके चेयरपर्सन है बंसीलाल भट्ट। आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसके डायरेक्टर जनरल है संजय द्विवेदी। आईआईएफएससीआई की बात करते हैं तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन है इंजेति श्रीनिवास। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इंट्रीम सीईओ, याद रखना है अंतरिम सीईओ है, सीईओ नहीं इंट्रीम सीईओ, वो कौन है? हेमांग आमीन। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, लोकमान्य तिलक। अगर बात करते हैं हम स्वराज, बात करते हैं तिलक, बाल गंगाधर राव तिलक की, उनकी क्या है अभी 100वीं जयंती जैसे रही थी, तो उन्हीं पर क्या है, उनकी 100वीं जयंती पर एक चीज लॉन्च की गई थी, उद्घाटन किया गया था किसका? लोकमान्य तिलक पर स्वराज सब विश्वसनीय भारत का। अब आपको बताना है ये 2 दिन का अंतरराष्ट्रीय वेबिनार रहा था, इसका उद्घाटन कौन से मंत्री ने किया था? तो बच्चों इसका उद्घाटन किया था अमित शाह सर ने। अमित शाह सर की बात करें तो ये कौन है बच्चों? आपके गृह मंत्री हैं। कहां से? गुजरात गांधीनगर से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। डीवी सदानंद गौड़े कौन है? आपके केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर है, बेंगलोर नॉर्थ कर्नाटका यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है। थावरचंद गहलोत कौन है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है, राज्यसभा एमपी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मुख्तियार अब्बास नकवी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, झारखंड राज्यसभा यहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अरविंद गणवत सावंत कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज इनके अंडर आती है, और क्या मुंबई साउथ महाराष्ट्र से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में क्या है यहां से, जो मैं पहले बात कर रही थी ना एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड, अगर हम बात कर रहे थे पहले, जो एचडीएफसी बैंक के क्या है बच्चों चेयरपर्सन अभी चेंज हो गए हैं। अब तक हम पढ़ते आए थे हरदीप सिंह पुरी, अब हरदीप सिंह पुरी नहीं रहे हैं, मतलब हैं वैसे हैं पर यहाँ के चेयरमैन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक का क्या है, अभी हाल ही में नए चेयरमैन न्यू सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, आरबीआई ने अपॉइंट किए हैं, जिसका नेम क्या रहा? शशिधर जगदीशन। अच्छा ठीक है, आंसर बताना था कौन से बैंक का था, तो शशिधर जगदीशन आपको यहां से आंसर क्लियर हो गया होगा। एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ रहे शशिधर जगदीशन, हरदीप सिंह पुरी अब नहीं है, जहां पर भी लिखा है क्रॉस कर दो और क्या नाम रख लिख लो, शशिधर जगदीशन न्यू सीईओ ऑफ एचडीएफसी। ठीक है, अब नेक्स्ट अदर कुछ देख लेते हैं। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, हम आपके संसार को समझते हैं, एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन रही। अब अदर देखिएगा, नाबार्ड, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? गोविंद राजुलू चिंतला। सिटी यूनियन बैंक के एमडी सीईओ कौन है? एन कमाकोडी, जो रीअपॉइंटेड है। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ कौन है? सुनील कुरबख्शानी, काफी न्यूज में रहा है, याद रखना है। यस बैंक के कौन है? प्रशांत कुमार। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपनी सेवानिवृत्त घोषणा करने वाले पूर्व स्पेन गोलकीपर का नाम क्या है? सिंपल सी 2 चीजें रही, वो स्पेन से हैं, दूसरा वो गोलकीपर फुटबॉलर हैं, आपको बताना है उनका नेम क्या है। तो उनका नेम रहा इकर कैसिलस। इकर कैसिलस क्या है? गोलकीपर हैं, स्पेन से हैं। अब आपको बताना है कि वो, अगर बात करते हैं हाल ही में सेवानिवृत्त हुए, उनका नेम क्या रहा? इकर कैसिलस। अदर नेम देखिए बच्चों क्या नेम रहे, बेनेडिक होवेडीज वर्ल्ड कप विनर है, जर्मन फुटबॉलर। रजत भाटिया दिल्ली से डोमेस्टिक ऑलराउंडर क्रिकेटर। शिपल्ली वेकरोडी श्रीलंका से क्रिकेटर। एंड्रे शुरले जर्मन से फुटबॉलर। रनीम एलवेली इजिप्ट से स्क्वैश प्लेयर। नेम बेशक ही याद ना हो, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया इनमें से नेम, इतना तो जरूर पढ़ लिया है हमने कि आप आंसर हिट कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपके, जो अगर बात करते हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन से, कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर कौन रहे आपके? प्रहलाद सिंह। उन्होंने क्या है, थेंजवाल गोल्फ रिजोर्ट बनाया है। अब आपको बताना है थेंजवाल गोल्फ रिजोर्ट कहां पर बनाया है? तो देखिए बच्चों सिंपल सी चीज याद रखनी है, जहां पर आपका जोरम मेगा फूड पार्क लॉन्च इनोग्रेट किया था, किसने इनोग्रेट किया था? हरसिमरत कौर बादल ने। हरसिमरत कौर बादल कौन है बच्चों? ये आपकी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन? हरसिमरत कौर बादल। कहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी है? बठिंडा पंजाब सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो अब आपको सिंपल सा याद रखना है, जोरम मेगा फूड पार्क या फिर थेंजवाल गोल्फ रिजोर्ट कहां पर आपको बताना है? तो बच्चों वो आपका रहा मिजोरम में। ठीक है, ये आपको याद करने हैं, हाईकोर्ट हमने पहले देख लिए हैं। तो मिजोरम के सीएम पीयू
जोरमथांगा गवर्नर पी एस श्रीधर पिल्लई, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर मिजोरम आता है, जस्टिस कौन है, अजय लांबा है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है और ये कुछ एक है जो आपको क्या है पीडीएफ में से रीड करने हैं और याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन आपका एक्सिस बैंक। अगर हम बात करते हैं एक्सिस बैंक, जैसे आपके फोन में एक गूगल असिस्टेंट होता है ना, गूगल असिस्टेंट, उसमें आप कुछ भी बोलते हो तो वो आपका क्या करता है आंसर रिप्लाई करता है, वैसे ही सेम क्या किया है जो यस बैंक रहा उसने अपना खुद का एक्सिस बैंक रहा, एक्सिस बैंक ने एक वैसे ही ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट बनाया है जिसका नेम क्या रहा एक्सा। ठीक है, एक्सा, तो उसको बताना है आपको कि यहाँ पर एक्सिस बैंक के मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन है, तो यहाँ पर वो रहे अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, टैगलाइन क्या है बच्चों काफी अच्छी है, बढ़ती का नाम जिंदगी, एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या रहती है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके, अब उसके बाद संजीव चड्ढा कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा या विजया बैंक, डेना बैंक जो मर्जर के बाद हुए थे उनके अगर बात करें सीईओ है, अतनु कुमार बैंक ऑफ इंडिया के हैं, एएस राजीव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं, चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के हैं, इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप, यहां से एक चीज याद रखनी है 2019 में अगर बात करते हैं इनका क्या हो गया था 20 में, अभी हाल ही में मर्ज हुआ था, दादरा नगर हवेली दमन दीव है। अब वहां पर क्या है बच्चों, हाल ही में एक क्या ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। अब आपको बताना है दादरा नगर हवेली दमन दीव के प्रशासक, प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो यहाँ पर हम सारे जितने भी आपके रहते हैं कि अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज उनको डिस्कस कर लेते हैं। दादरा नगर हवेली के हैं प्रफुल खोडा पटेल, जो कब बनी थी 26 जनवरी 2020 को ये क्या हुई थी मर्ज हुई थी। ठीक है, इतनी चीजें याद है। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बीपी सिंह बडनौर, लक्षद्वीप के हैं दिनेश्वर शर्मा, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें दिल्ली के अनिल बेजल हैं, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हैं, जीएस जीसी मुर्मू अब नहीं है बच्चों क्योंकि उन्हें क्या है एस, अगर बात करें कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है कैग। लद्दाख के आर के माथुर है, पुडुचेरी की किरण बेदी है, अंडमान निकोबार के देवेंद्र कुमार जोशी है, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर का नाम क्या है जिसने दुनिया के पहले कंप्यूटर, अगर हम बात करते हैं बच्चों पहला कंप्यूटर जो रहा था उसके जो माउस था उस माउस को बनाने वाले वो वैज्ञानिक थे। ठीक है, माउस को वैज्ञानिक बनाने थे जिसमें क्या थे वो को फाउंडर थे, मतलब दो पर्सन थे जिन्होंने माउस को खोजा था। अब आपको बताना है उन्हीं की जो माउस के खोजकर्ता थे उनकी डेथ हो गई, उनका नेम क्या है बच्चों विलियम किर्क इंग्लिश, और जो दूसरे पर्सन थे माउस को इनके साथ खोजने वाले उनका नेम क्या था डगलस एंगलबर्ट। ये दोनों पर्सन थे जिन्होंने माउस को खोजा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और इनका हाल ही में क्या है डेथ हो गई है विलियम किर्क इंग्लिश की। अदर नेम देखिएगा इब्राहिम अलकाजी थिएटर मास्टर रहे, कमल रेन वरुण यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर थे, शिवराज राव पाटिल निलंकर फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम रहे, आरडी प्रधान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर रहे, इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट WTF की अगर हम बात करते हैं तो इसके क्या है हाल ही में ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, इंडियन है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आंसर रहा ए एंड बी बोथ। कौन रहे बच्चों आपके रेना सर, अगर हम बात करते हैं सुरेश रेना की, और दूसरे क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, दोनों को क्या है WTF के क्या है ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अदर देख लेते हैं जो ब्रांड अम्बेसडर आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे कौन कौन से, आमिर खान, अगर स्टार्टिंग कर देते हैं रोहित शर्मा, क्रिकडम जो क्या है क्रिकेट एकेडमी है दुबई की उसके हैं, स्पेन फुटबॉल लीगा जो ला लीगा है उसके हैं और नॉइस के हैं। ठीक है, सुनील छेत्री सर जो फुटबॉलर हैं वो प्यूमा के ब्रांड में से हैं, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी उसके हैं सुनील शेट्टी, वीजा जो पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी रही उसकी है पीवी सिंधु, जो यहां से इंपॉर्टेंट बन सकता है ये जो स्टेट ब्रांड है असम की, असम की स्टेट ब्रांड कौन है बच्चों हिमा दास है, और अगर गेट्रॉयड बाय पेप्सिको जो पेप्सिको है उसकी भी है। शाहरुख खान की बात करें तो एप्पल के हुंडई के पेप्सी फ्रूटी लक्स डिश टीवी इन सब के क्या है ये ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद प्यूमा के कौन है बच्चों करीना कपूर खान है, एक सुनील छेत्री भी है और दूसरी करीना कपूर खान भी है। अमेजोन की बात करें तो अमिताभ बच्चन है, फ्लिपकार्ट के आमिर खान है, इतने ब्रांड एम्बेसडर आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में क्या किया गया है नियुक्त किया गया है, अभी हमने डिस्कस किया था कैग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है उनका नाम क्या है आपको बताना है, तो वो कौन रहे बच्चों जम्मू कश्मीर के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू सर रहे, और उनकी जगह पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए हैं मनोज सिन्हा बनाए गए हैं।
हो गया याद। शशिधर जगदीशम एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ रहे हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये क्या है, नए प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए गए हैं पीएम मोदी के। पेटीएम मनी की बात करते हैं अगर हम तो अपॉइंटेड वरुण श्रीधर एज सीईओ, ठीक है याद रखना है वरुण श्रीधर क्या है पेटीएम मनी, ये थोड़ा रिवर्स हो गया ऐसे कर लेना, वरुण श्रीधर सीईओ अपॉइंट किए गए हैं पेटीएम मनी के, ठीक है इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की ओवरऑल क्लास जिसमें हमने क्या है प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए। अब यहाँ से याद रखना है बच्चों आपको अगर हम पीडीएफ की बात करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, क्या नेम रहा बच्चों जीके बाय प्रदीप सर सर्च कीजिएगा, वहां से क्या आप इसकी एज इट इज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखें, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट जितना हमसे हो सकता है, ठीक है ओके थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टाटा टेक केयर।